शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ठाकुर किरणपाल सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षक प्रकोष्ठ यशवीर सिंह राघव के निर्देशानुसार विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर किसान यूनियन के सिपाहियों के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। मथुरा के गाँव भालई में मंडल महामंत्री बॉबी राघव उर्फ वेद प्रकाश राघव, छात्र जिला उपाध्यक्ष पुनीत राघव और तहसील सचिव ओमबीर राघव सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। वहीं मथुरा कलेक्ट्रेट परिसर में विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी एडवोकेट ज्ञानेंद्र सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने वृक्ष लगाए। बॉबी राघव और पुनीत राघव ने इस मौके पर देशवासियों से पेड़ न काटने का निवेदन किया। वहीं प्रकृति के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रार्थना की। सभी को मेरा नाम राम, मैं पुनीत राघव, छात्र जिला उपाध्यक्ष मथुरा। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु से हूँ और आज हमने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज कई नए पौधे लगाए और मैं आप सभी से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप भी नए पौधे लगाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आजकल लोग लगाने से ज़्यादा काटने पर ध्यान दे रहे हैं। कृपया पेड़ों को काटें ना, क्योंकि आप जानते हो कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा हमें। तो हमारी आने वाली पीढ़ियों की जो जीवन है वो संकट में पड़ जाएगा। अगर हम अपने बारे में सोचें तो ये गलत है, हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचना चाहिए और हमें नए नए पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि आगे ऑक्सीजन की कमी ना पड़े। जय जवान, जय किसान। जय किसान। मैं ठाकुर वेद प्रकाश सिंह, भारतीय किसान यूनियन से युवा मंडल महामंत्री आगरा। मैं आज सभी देशवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा, जैसे कि आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आज हमने पेड़ नए पेड़ लगाए हैं, जैसे कि प्रकृति है कि पेड़ों के ऊपर जैसे कि हमें इससे ऑक्सीजन मिलती है, ताज़ी हवा मिलती है। और सभी देशवासियों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि पेड़ों को न काटें और नए नए पेड़ लगाएँ। जय जवान, जय किसान।